हेलो बीजीएमआई प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जैसे ही iQOO G7 Pro को लॉन्च करा गया, उसके बाद भाई इन्फिनिक्स की तरफ से एक भाई इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा मैसेज डाल दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भाई iQOO G7 Pro का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई हमारी हर एक चीज़ iQOO G7 से बढ़िया है। तो कह रहा है कि डेट नॉट फुल्ली लोडेड, जितना भाई iQOO वाले कहते हैं फुल्ली लोडेड, वो कह रहे हैं कि फुल्ली लोडेड नहीं है, अपना iQOO लगाइए और इन्फिनिक्स 0 30 5G का वेट करो। तो यहाँ पे भाई इन्फिनिक्स वाले बिल्कुल सामने से डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, तो ये देख के काफ़ी मजा आ रहा है। यहाँ पे अगर कंपटीशन करेगी दोनों भाई, दोनों ब्रांड करेंगे काफ़ी बढ़िया बढ़िया, अगर ऐसी कंपटीशन होते रहेंगे हर ब्रांड के बीच में, तो इसमें हमारा भी फायदा होने वाला है, हमें ही बढ़िया चीज़ देखने को मिलने वाली है कम प्राइस में। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, ऐसे सारी कंपनियों को थोड़ा बहुत करना चाहिए तो काफ़ी मजा आएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स वालों ने काफ़ी बढ़िया सा भाई एक ट्वीट कर दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा भाई इंस्टाग्राम पे। तो आज मैं उसी हिसाब से आपके लिए कंपैरिजन लेके आया हूँ iQOO G7 Pro और इन्फिनिक्स 0 30 5G के बीच में, कि इन दोनों फ़ोनों में से हमें गेमिंग करने के लिए कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, किसके अंदर हमें कम लैग देखने को मिलेगा, किसके अंदर हमें ग्राफिक सेटिंग बढ़िया देखने को मिलने वाली है विदाउट हीटिंग इशू, किसके अंदर हमें कॉन्स्टेंट एफपीएस देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हम आपके इन दोनों फ़ोनों से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले के ऊपर। तो हमें इन्फिनिक्स 0 30 5G के अंदर 6.78 इंच की कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और iQOO G7 Pro के अंदर भी हमें सेम डिस्प्ले 6.78 इंच की कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में देखो दोनों फ़ोन मस्त है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं, कर्व डिस्प्ले हमें दोनों फ़ोनों के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो हमें गेमिंग करने के लिए कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो आपके सारे डाउट मैं धीरे धीरे करके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने डिस्प्ले बता दिया कि गेमिंग करने के लिए आपको दोनों फ़ोनों के अंदर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अब आते हैं दोनों फ़ोनों के रिफ्रेश रेट के बारे में। तो आपको इन्फिनिक्स 0 30 5G के अंदर 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला, और iQOO G7 Pro के अंदर इसके अंदर हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ इन्फिनिक्स के फ़ोन में हमें रिफ्रेश रेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलने वाला है 144Hz। अब मैं आपको साफ सीधी बात बताऊँ तो भाई रिफ्रेश रेट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, 120 और 144 में कोई ज़्यादा फ़र्क भी हमें देखने को नहीं मिलता है। और वैसे भी 144 जो है कुछ ही एप्लीकेशन जो कि सपोर्ट करती है, यूट्यूब तो आपको पता ही है कि भाई वो तो 60 से ऊपर जाता ही नहीं है, 60 और 90 के आसपास ही रहता है, उससे ऊपर तो जाता ही नहीं है। तो अगर आप स्क्रोलिंग करते हैं यूट्यूब पे तो आपको 60 की ही ज़रूरत है, आपको ये कोई 90, 120 या 144 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस सिर्फ फ़ोन को जब नॉर्मल फ़ोन आप स्क्रोलिंग करते हैं, जब आप कोई ऐप नहीं खोलते बस ऐसे ही स्क्रोल करते हैं, वहाँ पर आपको पता लगता है बस। तो यहाँ पे अगर 120 भी देते हैं तो भाई कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, 140 और 120 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो रिफ्रेश रेट को मैं कुछ ज़्यादा बड़ा वाला वो पॉइंट नहीं मानता हूँ, तो ये नॉर्मली पॉइंट है मेरे लिए कि भाई दोनों फ़ोनों के अंदर मुझे सेम ही है, मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 140 हो या 120 हो, आपको दोनों ही बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। आपके जो फ़ोन है वो दोनों स्मूथ चलेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगी ब्राउजिंग करते हुए, चाहे फ़ोन चलाते हुए कोई भी इशू आप कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फ़ोन बिल्कुल स्मूथ चलेंगे आपको ब्राउजिंग करते हुए। तो ये तो बात के लिए मैं रिफ्रेश रेट की। अब एक बार बात करते हैं दोनों फ़ोनों के अंदर हमें ग्राफिक सेटिंग क्या क्या देखने को मिलने वाली है। तो देखो दोनों फ़ोनों के अंदर बीच में जो ग्राफिक सेटिंग हमें देखने को मिलने वाली है वो स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगी, बाकी बैलेंस HD और HDR के अंदर आपको सिर्फ अल्ट्रा तक का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आपको सिर्फ स्मूथ जो 60fps की गेमिंग है वो आपको स्मूथ में देखने को मिल जाएगी, बाकी सारे आपको सिर्फ अल्ट्रा तक का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा बैलेंस HD और HDR के अंदर। ये तो बात कर ली हमने ग्राफिक सेटिंग। एक बार फ़ोन के जायरोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोनों फ़ोनों के अंदर हमें जायरोस्कोप का सेंसर देखने को मिलेगा, तो आपको जायरोस्कोप में कोई भी डिले देखने को नहीं मिलने वाला, दोनों फ़ोनों के अंदर बिल्कुल मक्खन काम करने वाला भाई, जो जायरोस्कोप काम करने वाला है आपको जायरोस्कोप में बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको जायरोस्कोप का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों फ़ोनों के अंदर बिल्कुल मस्त जायरोस्कोप चलने वाला है। तो जायरोस्कोप का पॉइंट भी आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं मेनली परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमें परफॉर्मेंस के लिए दोनों फ़ोनों के अंदर कौन कौन से प्रोसेसर देखने को मिलने वाले। तो हमें इन्फिनिक्स 0 30 5G के अंदर आ रहा डायमेंसिटी का 8020 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला, और iQOO G7 Pro के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें डायमेंसिटी का 7200 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला। तो भाई इस टाइम जो डायमेंसिटी की भाई डिमांड है ना बिल्कुल बढ़ती हुई जा रही है, हर फोन के अंदर हमें डायमेंसिटी के प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं। जब से 5G आया ना भाई तब से भाई डायमेंसिटी ने भाई बिल्कुल फ़ायदा उठाया है 5G से आने के बाद, उन्होंने धैर्य बहुत बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं, हर प्राइस सेगमेंट में आपको उनके प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन स्नैपड्रैगन वाले भाई बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, उनके ज़्यादा हमें प्रोसेसर देखने को नहीं मिल रहे। अगर आप 20,000 से लेकर 30,000 का प्राइस सेगमेंट उठा लोगे, इतने सारे जो फ़ोन लॉन्च हुए हैं 2023 में, मैक्सिमम फोन आपको डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ ही देखने को मिलेंगे, स्नैपड्रैगन के साथ देखने को नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे भाई डायमेंसिटी वाले सही में तगड़ा काम कर रहे हैं, और भाई बहुत जल्दी लीड लेके चले जाएंगे भाई स्नैपड्रैगन वालों ने अगर कुछ करा नहीं तो।
तो हमने ये तो नॉर्मली बात कर ली, लेकिन अब आते हैं मिलने इन दोनों फोनों के परफॉर्मेंस के बारे में कि हमें दोनों फोनों के अंदर गेमिंग की परफॉर्मेंस किसके अंदर बढ़िया देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर हम डायमेंसिटी के 8020 को कंपेयर करें डायमेंसिटी 7200 के साथ, तो दोस्तों अगर आप रियल टाइम खेलेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। दोनों फोनों के अंदर में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जितने FPS वो फोन निकाल के देगा वही उतने FPS वही फोन दूसरा फोन भी निकाल के देने वाला। दोनों प्रोसेसर में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर आप दोनों फोनों के आंतु स्कोर भी देखोगे ना तो अराउंड 7 लाख के आसपास ही दोनों प्रोसेसर के हमें आंतु स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो देखो दोनों फोनों के अंदर में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बात आ जाएगी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कि किस फोन ने किस ब्रांड ने अच्छा ऑप्टिमाइजेशन दिया आपको गेमिंग करने के लिए। जो अच्छा ऑप्टिमाइजेशन आपको देगा वही आपको बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा वही प्रोसेसर, क्योंकि दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप स्नैपड्रैगन 782G को आप जानते हैं, वो प्रोसेसर काफी सारे फोन को भी हमें देखने को मिला है 782G, तो उस वैसे ही परफॉर्मेंस आपको उससे थोड़ी सी बेहतर कह सकते हैं। रियल टाइम में आपको वो भी डिफरेंस पड़ता नहीं लगेगा। इन तीनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम ही आपको परफॉर्मेंस देने वाले हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही आपको बढ़िया देखने को मिलता है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तो अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो देखो सबको पता है इस टाइम पे 1.5 साल से अगर देखें तो IQ की ऑप्टिमाइजेशन नंबर 1 है इस टाइम पे। अगर आप गेमिंग की परफॉर्मेंस देखेंगे IQ, आपको पता ही है कि IQ के फोनों के अंदर परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए सबसे बढ़िया होती है। हर फोन के अंदर अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है प्रोसेसर, तो गेमिंग अच्छी निकल के आती है हर एक IQ फोन के अंदर। तो अगर आप गेमिंग के डिफरेंस देखेंगे दोनों फोनों के अंदर तो देखो दोस्तों इन्फिनिक्स के फोन में थोड़ी सी अच्छी सी ऑप्टिमाइजेशन होगी मुझे पता है गेमिंग करने के लिए। तो अगर आप दोनों फोनों के अंदर गेमिंग करेंगे तो देखो बिल्कुल आपको IQ G7 Pro के अंदर ज्यादा बढ़िया गेमिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों फोनों के अंदर जो प्रोसेसर अगर ज्यादा मेजर इशू होता थोड़ा डिफरेंस होता प्रोसेसर में तो ज्यादा पता लगता, लेकिन दोनों प्रोसेसर सेम ही प्राइस के सेम ही सेगमेंट के हिसाब से हैं तो भाई दोनों फोनों के अंदर सेम परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पे बात आ जाएगी सारी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के मामले में IQ यहाँ पे आगे निकल जाता है। तो IQ के फोन में अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसकी वजह से आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस है ना वो आपको IQ के फोन में ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगी। और अगर दोनों फोनों की बैटरी की बात करी जाए तो हमें देखो इन्फिनिक्स जीरो 5G के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, साथ में 68W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। पर IQ G7 Pro के अंदर भाई यहाँ पे बैटरी और चार्जर स्पीड दोनों थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। IQ के फोन में 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 66W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और अगर 5G बैंड की बात करी जाए तो आपको इन्फिनिक्स के फोन में 14 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और IQ के फोन में आपको सिर्फ 10 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो ये कि भाई मेन आपको IQ के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर ज़्यादा 5G बैंड का सपोर्ट देखने को हमें मिल रहा है। तो 5G बैंड के मामले में भी इन्फिनिक्स आगे निकल रहा है। तो इन्फिनिक्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आगे निकल रहा है हर एक चीज़ में, मुझे कहें तो भाई काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू IQ G7 Pro। बस ये है कि भाई IQ G7 Pro को इसलिए अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप IQ G7 के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल फ़ोन लेना आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी कभी कभी गेमिंग करनी है तब आप इन्फिनिक्स फोन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा बढ़िया हमें बड़े अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल रहे हैं और हर चीज़ में हमें आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ गेमिंग की बात करी जाए तो देखो गेमिंग करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन भाई IQ के फ़ोन में ज़्यादा बढ़िया होती है। अब टाइम टू टाइम अपडेट भी आते हैं भाई IQ के फ़ोन में और ज़्यादा परफॉर्मेंस डाउन भी हमें देखने को नहीं मिलती है जब IQ को अपडेट करते हैं हम। तो इन्फिनिक्स फोन अगर हम अपडेट करेंगे तो मुझे पता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा भाई हमें परफॉर्मेंस में डाउन देखने को मिल जाएगा। तो IQ के फोन यहाँ पे मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ गेमिंग, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करने के लिए फोन लेना है इस प्राइस सेगमेंट में कर्व डिस्प्ले के साथ तो आप जा सकते हैं IQ G7 Pro के साथ। और अगर आपको नॉर्मल फोन चलाना है कभी कभी गेमिंग करते हैं अपने दोस्तों के साथ तब आप इन्फिनिक्स का फोन जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें बैटरी ज़्यादा है, 5G बैंड भी ज़्यादा है, साथ में थोड़ा सा प्रोसेसर भी बढ़िया है और साथ में आपको रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो भाई काफ़ी बढ़िया है इन्फिनिक्स का फोन भी और काफ़ी बढ़िया है IQ का फोन भी। तो आपको मैंने सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। आप कमेंट करके बताना कि आपको इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन अच्छा लग रहा है, आप कौन सा फोन बाय करेंगे अगर आपको इन दोनों फोनों में से चॉइस दी जाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो गया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।